आपको बता दें, खबर प्रयागराज से है, जहां पर श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। वाराणसी न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग को लेकर ये याचिका, याचिका को वाराणसी कोर्ट ने माना सुनवाई योग्य और मुस्लिम मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, प्रयागराज से, जहां पर न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग को लेकर ये याचिका, याचिका को वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना। मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ये बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गुफरान हमारे सभी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुफरान, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, क्या जानकारी अब तक? देखिए, श्रृंगार गौरी मामले में पिछले दिनों जो जिला न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें ये कहा था कि नियमित पूजा अर्चन, इसके अलावा दर्शन, इसके अलावा विग्रहों को संरक्षित करने की जो मांग वाली याचिका थी वो सुनवाई योग्य है। इसी फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार, खास करके जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, वक्फ बोर्ड कमेटी के लोग हैं, इन्होंने एक याचिका दायर की है और ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं से कोर्ट ने जो कोर्ट के जो आदेश रहे हैं उसकी अवमानना है, नियम विरुद्ध है, ये नहीं हो सकता। पूरी तरीके से जो ये आदेश है वाराणसी जिला न्यायालय का, सुनवाई योग्य करार दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की है। माना यह जा रहा है कि अगले हफ्ते इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। उस दरमियान हाईकोर्ट का क्या कुछ रुख होता है ये बहुत कुछ करेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से वाराणसी के न्यायालय ने फैसला दिया था उससे कहीं ना कहीं से हिंदू पक्षकार की, खास करके मंदिर पक्षकार की जो दलीलें थी उनको सुनने के बाद ही सुनवाई के योग्य करार दिया था। लेकिन इसी फैसले के खिलाफ उस दरमियान भी मुस्लिम पक्ष और मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा था कि हम इसको हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, तो वही अब हुआ है और हाईकोर्ट में पूरी विस्तृत जो पिटीशन होती है वो दाखिल कर दी गई है और अब माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इस पूरे मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम।